हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर ट्वेंटी टू तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्यों बने ओके सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीन ले लीजिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ देखिए ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने हमसे बोला है अ कॉलेज रिसीव्ड फिफ्टी एप्लीकेशंस फॉर अ सर्टेन कोर्स ओके एक कॉलेज में क्या मिलती है फिफ्टी एप्लीकेशंस मिलती हैं इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन वन टेंथ ऑफ दैम सिक्योर्ड मार्क्स इन नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट रेंज होके एक कॉलेज में टोटल कितनी फिफ्टी मिलती है इसमें से वन टेंथ मतलब कितना फाइव उनके मार्क्स कितने आते हैं नाइन्टी और नाइन्टी फाइव परसेंट के रेंज में आते हैं उसके बाद विद इन रिमेनिंग सेगमेंट और जो बाकी का बचा हुआ है उसमें से थ्री फिफ्थ ऑफ दैम सिक्योर्ड मार्क्स इन सेवेंटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट रेंज होके और बाकी का बचा हुआ कितना है फोर्टी फाइव है ना इसका थ्री फिफ्थ इसका थ्री फिफ्थ कितना ट्वेंटी सेवन उसके मार्क्स किस रेंज में हैं सेवेंटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट के रेंज में है ठीक है और क्या बोला उसने द रेस्ट सिक्योर्ड बिलो सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स ओके और जो बाकी के हैं ठीक है बाकी के मतलब कितने एटीन उनके सेवेंटी फाइव से कम मार्क्स हैं। सेवेंटी फाइव परसेंट से बिलो मार्क्स आए हैं ठीक है अब आगे उस टाइम से क्या बोला है टू गेट एडमिशन एडमिशन लेने के लिए द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस होल्ड गुड ओके कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि फॉलो होती हैं ठीक अब क्या है वो आपके पास रिस्ट्रिक्शन कि नो स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड बिलो सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स कैन सीक एडमिशन टू फिजिक्स कोर्स ओके उसने क्या बोला पहली उसने कंडीशन हमें कह दी कि अगर किसी भी स्टूडेंट के सेवेंटी फाइव परसेंट से बिलो मार्क्स आते हैं तो उसका फिजिक्स में तो नहीं होगा ठीक उसके बाद सेकंड क्या है कि नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ऑप्ट फिजिक्स विदाउट ऑप्टिंग मैथमेटिक्स ओके और सेकंड क्या है कि अगर उसे फिजिक्स लेनी है इन दैट केस उसका मैथमेटिक्स का लेना जरूरी है कंपल्सरी है ठीक है थर्ड उसने क्या बोला कि नो स्टूडेंट इज अलाउड टू ऑप्ट फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स साइमल्टेनियसली ओके और किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स लेना आई uh, मीन I mean वो फिजिक्स के साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स नहीं ले सकता है साइमल्टेनियसली दोनों अलग अलग लेगा वो ठीक है तो ये कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं उसके बाद फोर्थ क्या देखिए टू ऑप्ट मैथमेटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स अ स्टूडेंट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट इन क्वालिफिकेशन एग्जाम ओके और उसने कहाला कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स लेने के लिए एक स्टूडेंट के कम से कम सेवेंटी परसेंट मार्क्स तो होने ही चाहिए ठीक है क्या लेने के लिए मैथमेटिक्स और या फिर एस्ट्रोफिजिक्स लेने के लिए उसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए सेवेंटी परसेंट मार्क्स तो होने ही चाहिए ठीक है उसने हमें ये चीज़ और बोलिए अब आगे उसने हमसे क्या पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज पॉसिबल ओके इन चारों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है इन सारी कंडीशन को देखते हुए ठीक है पहला पढ़ते हैं उसने क्या बोला कि 90% परसेंट ऑफ़ द एप्लीकेंट्स ओके ऑफ़ द एप्लीकेंट्स आर एडमिटेड टू फिज़िक्स कोर्स उसने कहा बोला कि 90% परसेंट ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो कि फिजिक्स कोर्स में एडमिशन लेंगे अब देखिए उसने मैं यहाँ पर क्या बताया था 50 में से 18 ऐसे हैं जिनके 75% से कम मार्क्स आए यही था ना ठीक है और उसने क्या बोला था कि जिस किसी के भी 75% से कम मार्क्स आए उसका फिज़िक्स में एडमिशन नहीं हो पाएगा ठीक है अभी एटीन क्या फिफ्टी का नाइनटी परसेंट है नहीं ना ये तो अराउंड कितना है थर्टी सिक्स परसेंट है इसका एक चीज कंफर्म है क्या थर्टी सिक्स परसेंट के अराउंड आपके फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो ये जो पहले बोल रहा है वो तो क्या है गलत है ठीक है ये फॉलो नहीं करेगा सेकेंड देखते हैं कि थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द एप्लीकेंट हु आर अदरवाइज इन एलिजिबल टू ज्वाइन फिजिक्स आर एडमिटेड टू मैथमेटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स ओके और उसने बोला कि थर्टी फाइव परसेंट वो एप्लीकेंट्स जो कि इन एलिजिबल हैं किसके लिए फ़िजिक्स कोर्स के लिए उनका एडमिशन या तो मैथेमेटिक्स या फिर एस्ट्रोफिजिक्स में हो सकता है हाँ तो ये चीज़ हमारे पास पॉसिबल है कैसे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि थर्टी सिक्स परसेंट के अराउंड यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनका फिज़िक्स में तो नहीं हो सकता है तो जिनका फिज़िक्स में नहीं हो पाएगा वो एप्लीकेबल है ना किसके लिए मैथेमेटिक्स और के लिए इसके वाले के सेकंड आपके पास पॉसिबल है अभी तक हमें यही लग रहा है क्या कि सेकंड इसका आंसर होना चाहिए एक बार थर्ड और फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं उसने बोला कि स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स कोर्स आउट नंबर दोज ऑफ मैथमेटिक्स तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स में होना जरूरी है ठीक है अगर आप सिर्फ फिजिक्स लेंगे ठीक है इन दैट केस नहीं चलेगा आपको मैथमेटिक्स होना जरूरी है तो इसमें क्या हो सकता है ये पॉसिबल है कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हो वो क्या हो इक्वल हो या फिर मैथमेटिक्स के ज़्यादा हो फिज़िक्स की उससे कम हो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि फिज़िक्स के मैथमेटिक्स को आउट नंबर करेंगे मतलब क्या कि ज़्यादा होंगे ठीक है तो ये थर्ड वाला भी नहीं हो सकता है फोर्थ वाला क्या है कि हु एवर इज़ एलिजिबल टू स्टडी मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो एलिजिबल टू स्टडी फिजिक्स ठीक है उससे हमसे क्या बोला कि वो सारे स्टूडेंट जिनको जो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं वो एलिजिबल है फिज़िक्स के लिए अब ये देखिए अगर मैं बात करूँ मैथेमेटिक्स का तो उसके लिए जो पॉसिबल था वो तो सेवेंटी परसेंट कम से कम आने चाहिए थे ना मतलब क्या जिसके सेवेंटी टू परसेंट आएंगे वो भी तो एलिजिबल होगा किसके लिए मैथमेटिक्स के लिए लेकिन जिसके सेवेंटी टू परसेंट मार्क्स आए हैं वो फिज़िक्स के लिए तो एलिजिबल नहीं होगा ना इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मैथमेटिक्स वाले फिजिक्स के लिए एलिजिबल नहीं होगी ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका राइट right आंसर क्या हुआ आपका बी वन इज दी राइट आंसर ठीक है आई होप क्लियर हुआ होगा ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखिए फाइन सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ये है इसका आप स्क्रीन ले लीजिए अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ देखिए ओके सो इस पजल में क्या दिया हुआ है उसने हमसे बोला है कि पी क्यू आर एस टी आर फाइव टाउन्स आउट ऑफ विच टू आर हिल स्टेशंस एंड द रेस्ट आर इन प्लेन्स ओके उसने बोला कि पांच आपके पास टाउन्स हैं, ठीक है आपके पास क्या है पांच टाउन्स हैं जिसमें से दो आपके पास क्या है हिल स्टेशन है और बाकी के आपके पास क्या है प्लेन्स हैं ठीक है उसके बाद टू टाउन्स विच आर इन प्लेन्स आर हार्बर्स ओके और उसने कि दो टाउन्स जो कि प्लेन्स में वो हार्बर भी है मान लेते हैं ये दोनों क्या है हार्बर है ओके okay. उसके बाद कि फोर टाउन्स आउट ऑफ द फाइव आर कैपिटल्स एंड टू आर इंडस्ट्रियल ओके उसने कि चार आपके पास क्या है वो कैपिटल्स हैं और आपके पास दो इंडस्ट्रियल टाउन है फाइन उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ टू टाउन्स इज लेस देन फाइव लैख ओके और दो टाउन की पॉपुलेशन लेस देन फाइव लैख है ठीक है इट इज ट्वेंटी लैख ऑफ वन टाउन एंड मोर देन फिफ्टी लैख फॉर बोथ दी टू टाउन्स ओके और उसने कहा कि एक टाउन की कितनी है वो ट्वेंटी लैख है और बाकी की बची दो टाउन की कितनी है वो फिफ्टी लैख है ठीक है उसके बाद टू टाउन्स आर ऑन द सेम लैटीट्यूड ओके दो टाउन क्या है जिनके सेम हैं ऐसे दो टाउन्स हैं फाइन और एंड द अदर टू आर ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड ओके और बाकी के जो दो हैं वो सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं ठीक है उसके बाद लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ बोथ हार्बर्स आर डिफरेंट एंड आउट ऑफ दीज वन इज एन इंडस्ट्रियल टाउन ओके और उसने कहाला कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही हार्बर्स का अलग अलग है मतलब क्या हम एक चीज़ जानते हैं कि दो आपके पास ऐसे टाउन्स हैं जिनका लेटिट्यूड सेम है और दो ऐसे हैं अलग जिनका लॉन्गिट्यूड सेम है ठीक है तो यहाँ पर ये जो दो पेयर्स हैं वो कभी भी हार्बर नहीं हो सकते उसने हमें ये चीज़ बोली है ठीक है समझ में आए ना मतलब दोनों ही यहां पर हार्बर्स नहीं हो सकते हैं और उसने क्या बोला कि एक क्या है एक आपके पास इंडस्ट्रियल टाउन है इन दोनों में से एक आपके पास क्या इंडस्ट्रियल टाउन है तो मान लेते हैं ये आपके पास क्या इंडस्ट्रियल टाउन है ठीक है उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल टाउन इज मोर देन फिफ्टी लैक्स ओके और दोनों इंडस्ट्रियल टाउन की जो पॉपुलेशन है वो फिफ्टी लैक है मतलब क्या इसकी पॉपुलेशन क्या होगी फिफ्टी लैक होगी मोर देन फिफ्टी लैक होगी ठीक है यहां पर ये क्या मोर देन ठीक है उसके बाद द लॉन्गिट्यूड ऑफ वन हिल स्टेशन एंड वन ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन आर द सेम ओके और उसने दाला कि जो लॉन्गिट्यूड है किसका एक हिल स्टेशन का ठीक है और किसका वन ऑफ द इंडस्ट्रियल और एक इंडस्ट्रियल का वो सेम ठीक है मतलब क्या लॉन्गिट्यूड में जो आपके पास दो पेयर्स आएंगे वो एक हिल स्टेशन में से होगा और एक इंडस्ट्रियल में से होगा ठीक है उसके बाद द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अदर हिल स्टेशन ठीक है यहाँ पर बात किसकी कर रही है उसने ऑफ अदर हिल स्टेशन एंड अदर हार्बर आर डिफरेंट ओके और उसने क्या बोला कि जो इनके अलावा ये जो हिल था ना इसके अलावा जो दूसरा हिल है और जो दूसरा हार्बर है ठीक है वो क्या है उनके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं ठीक है उसके बाद वन इंडस्ट्रियल टाउन इज नीदर अ अल स्टेशन नॉर अ हार्बर ओके और उसने या लगा कि एक इंडस्ट्रियल टाउन ऐसा है जो कि ना ही हिल स्टेशन है और ना ही हार्बर है ना ही हिल स्टेशन है और ना ही हार्बर है तो कौन होगा ये होगा ना इंडस्ट्रियल ठीक है और हम चाहते क्या कि इंडस्ट्रियल की जो पॉपुलेशन है वो फिफ्टी लैक ,00 है मोर देन फिफ्टी लैक है ठीक है उसके बाद मैन ऑफ द हिल स्टेशन इज एन इंडस्ट्रियल टाउन ओके चीज क्लियर होगी फिर उसके बाद द हिल स्टेशन ऑफ विच लॉन्गिट्यूड आर सेम एज दैट ऑफ द हार्बर इज अ कैपिटल ओके अच्छा अब उसने निकाला कि वो हिल स्टेशन जिसका लॉन्गिट्यूड क्या है सेम है किसके साथ हार्बर के साथ अब देखिए हम जानते हैं लॉन्गिट्यूड में जो आपके पास दो पेयर से वो हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल वाले थे ना अब उसने यहां पर क्या बोल दिया हिल स्टेशन और आपके हार्बर वाला मतलब क्या ये क्या होगा हार्बर भी होगा और अगर ये हार्बर भी है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी किसकी हुई इन दोनों की हुई ना इसकी और इसकी ठीक है तो ये दोनों क्या होंगे इन दोनों के लॉन्गीट्यूट आपके सेम होंगे आप चाहे तो हिल इस हिल स्टेशन को भी ले सकते थे नो no प्रॉब्लम इन दोनों की क्या है लॉन्गीट्यूट सेम है ठीक है और ये दोनों क्या है कैपिटल है ये कैपिटल है और ये भी कैपिटल है ठीक है उसके बाद क्यू इज़ हिल स्टेशन वायल लॉन्गी पी एंड टी आर द सेम ओके लॉन्गीट्यूड किसका पी और टी का सेम है अच्छा और क्यू क्या है हिल स्टेशन है तो क्यू आपके पास ये होगा ये चीज़ कन्फर्म है ठीक है और पी और टी क्या है उन दोनों के लॉन्गीट्यूड सेम है मतलब क्या इन दोनों में से अभी पी कोई होगा और एक e कोई टी होगा ठीक है आगे होके बोला उसने कि टी इज अ हार्बर अगर टी हार्बर है तो इसका कन्फर्म है वो ये होगा मतलब क्या ये होगा टी तो फिर ये क्या होगा आपके पास पी होगा ठीक है उसके बाद द लेटीट्यूड ऑफ एस एंड आर आर दी सेम ओके लेटीट्यूड किसका एस और आर का सेम है ठीक है एस और आर मतलब इन दोनों में से कोई होगा ठीक है एंड द पॉपुलेशन ऑफ एस इज ट्वेंटी लैक ओके और जो पॉपुलेशन है एस की वो ट्वेंटी लैक है अगर ट्वेंटी लैक है तो देखिए वो ये तो हो नहीं सकती है एस इसका मतलब एस क्या होगा ये होगा ये क्या होगा आपके पास आर होगा उसके बाद बोथ दी हार्बर्स आर कैपिटल और दोनों हार्बर्स क्या है कैपिटल है तो देखिए ये कैपिटल आपके पास ऑलरेडी था ये भी क्या हो गया आपके पास कैपिटल हो गया ठीक है उसके बाद एंड वन ऑफ देम इज़ एन इंडस्ट्रियल टाउन और इनमें से क्या इंडस्ट्रियल टाउन है हाँ ये चीज़ भी क्या है क्लियर है ठीक है समझ में आया यहां तक आपको क्लियर हुआ अब देखिए उसने हमें क्या क्या चीज़ बोली थी चार कैपिटल से अब यहां पर आपके पास देखिए क्या क्या कैपिटल हो गए एक दो और तीन कैपिटल हो गए जो चौथा कैपिटल होगा वो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है हमें कंफर्म नहीं है दो इंडस्ट्रियल आपके हो गए आपके पास दो ऐसे जिनकी फाइव लैख से कम पॉपुलेशन है आप देखिए इसकी पॉपुलेशन कितनी थी ट्वेंटी लैख थी ना तो इन दोनों की कितनी पॉपुलेशन होगी फिफ्टी लैख सॉरी फाइव लैख से कम होगी ठीक है ये भी आपके पास फिक्स हो गया ये भी आपके पास फिक्स हो गया आ, दो लॉन्गिट्यूड ये आपके पास फिक्स हो गए अगर मैं लेटीट्यूड की बात करता हूँ तो देखिए लेटिट्यूड किसके सेम थे एस और आर के मतलब क्या इन दोनों के लेटीट्यूड सेम होंगे ठीक है और लॉन्गिट्यूड इनके सेम है तो बस ये हमारे पास क्या बन गई ये हमारे पास फाइनल पजल बन गई ठीक है आई होप क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पर बनाते हैं पी एट द रेट क्यू मतलब क्या पी क्या है वो हस्बैंड है किसका क्यू hmm, का ठीक है उसके बाद क्यू कैप आर मतलब क्या क्यू okay. okay. uh, okay. क्या है डॉटर है किसकी आर की ओके उसके बाद यहाँ पर उसने क्या दिया है कि डी डॉटर है किसकी सी की ओके डी डॉटर है किसकी सी की फाइन उसके बाद एम एम इज ब्रदर ऑफ टी ओके एम क्या है एम ब्रदर है किसका T का और टी क्या है टी वाइफ है किसकी आर की ओके okay. टी वाइफ है आर की इसका मतलब आर ओ का मेल टी एम ठीक है उसके बाद रेट सी मतलब क्या एम क्या है हस्बैंड है किसका सी का ओके okay. फाइन तो डी आ जाएगा यहां पर अच्छा अब उसने वाला देन हाउ इज डी रिलेटेड टू आर डी आर का क्या लगेगा अब देखिए डी कौन है डी एम का एम mm, की डॉटर है ना ठीक है और एम का इसके साथ रिलेशन क्या है ब्रदर इन लॉ का इसका मतलब ये कौन लगेगा ये लगेगा अ नीस मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी वन इज़ दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्यों वे देखिए उसने बोला है कि इफ़ एन इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एस देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ट्रू ओके डेफिनेटली ट्रू उसने बोला कि अगर एन कौन है एन मदर इन लॉ है किसकी एस की ठीक है इन दैट केस हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास ट्रू होगा तो देखिए पहला अगर मैं पढ़ता हूँ आपको एक चीज़ कन्फर्म है एन को फीमेल होना है ठीक है पहले से अगर मैं देखूँ तो क्या है कि एन क्या है एन आपके पास वाइफ है आर की हाँ इसके होने की पॉसिबिलिटी है उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो एन एट द रेट आर मतलब क्या एन हस्बैंड है ये तो हो नहीं सकता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखता हूँ तो पी डॉलर एन मतलब क्या पी क्या है ब्रदर है किसका एन का लेकिन एन क्या है वो फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है यू you नो know, वो इसका भाई भी हो सकता है बहन भी तो इसलिए ये चीज़ गलत है उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एन इससे मतलब क्या हुआ कि पी क्या है पी हस्बैंड है एन का इसकी भी होने की पॉसिबिलिटी है तो इन दोनों को हम चेक करते हैं एक बार ठीक है अगर मैं इसको चेक करूँ तो उसने बोला कि एन क्या है एन वाइफ है किसकी आर की ओके okay. उसके बाद आर क्या है आर सन है किसका एस का आर सन है किसका एस का अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो बनना चाहिए था उसमें एस का जो जनरेशन है वो एन के बाद आना चाहिए था लेकिन वो क्या हो गया यहाँ तो उससे पहले हो गया इसका मतलब क्या है? ये चीज़ गलत है ये तो हो ही नहीं पाएगा इसको चेक कर लेते एक बार उसने लगा कि यू क्या है यू सन है किसका एस का एस कौन है एस है किसकी आर की आर कौन है आर सन है किसका पी का पी कौन है पी भाई है किसका सॉरी हस्बैंड है किसका एन का तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ कन्फर्म हो रही है ना क्या कि एन क्या है एन मदर इन लॉ किसकी एस की इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी वन इज़ दी राइट आंसर ठीक है सो आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे थैंक यू सो मच